हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मनाडी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो के साथ, फाउंड द फनीएस्ट सॉन्ग। दोस्तों हमें काफी टाइम हो गया था ट्रिगर्ड इंसान की किसी वीडियो पे रिएक्ट किए, और इस वीडियो के काफी कमेंट्स आ रहे थे हमारे पे, क्योंकि टोनी कक्कर के ऊपर है ना आजकल बहुत ज्यादा मीम्स बनते हैं, उनके हर गानों पे है ना काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी होती है। इन शॉर्ट टोनी कक्कर का गाना है और उसके बाद उसका रोस्ट और हम रिएक्ट ना करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। दोस्तों फटाफट वीडियो देखते हैं, उसके बाद वीडियो में क्या हो रहा है सारी बातें बात। This video is in collaboration with Truly Madly. It is a serious dating app where you can find your forever wala love. So definitely check it out. देखिए हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में ना आपको हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉटी आ रही है तो पॉटी वाला सॉन्ग, सुसु आ रहा है तो सुसु वाला सॉन्ग, कुछ खाने का मन है तो ये लीजिए बटाटा वड़ा खा लीजिए। एक सेकंड, क्या आपको बटाटा वड़ा पसंद नहीं है? अरे कोई टेंशन नहीं है, ये लो समोसा खा लो। अरे कमाल की जिद है यार, समोसा भी नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, क्या खाना है बताओ। अरे आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, चवन प्राश खाया करो। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। ये भी नहीं खाना। अरे यार तुम तो बड़े जिद्दी हो, चलो एक काम करो बाजरा खाओ, वो तो सही है। नहीं 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 नहीं, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी, अब बाजरा ही खाना पड़ेगा। मैं बाजरा नहीं खाऊंगी, मेरा काला बदन हो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, मत खाओ बाजरा, गेहूं तो खा लोगे ना। मैं गेहूं भी नहीं खाऊंगी, मेरा शरीर हो जाओ। देख अब तेरा ज्यादा हो रहा है, मेरे को सीधा सीधा बता, बर्फी खाएगी? बर्फी भी नहीं खाऊंगी। अरे क्या खाएगी फिर? ठीक है आइसक्रीम खानी है ना खा लो, लेकिन फिर सर्दी लग जाएगी तो मुझे मत बोलना। लग गई ना सर्दी, तब से बोल रहा था मैं, अब मारते रहो छीक के। अबे मैं मजाक में बोल रहा था, तुम्हें सर्दी लग गई है इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम सच्ची में जाके दूसरों के ऊपर चीखोगे। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई। चिक, मेरी जान चिक। घबराइए मत, घबराइए मत, आप सबके कान नहीं बज रहे हैं, ये एक्चुअली में गाने के लिरिक्स हैं। छीक छीक माने वो स्नीज वाला, अच्छू वो वाला, छीक मेरी जान छीक। लेजिट ये लिरिक्स है इस गाने के। जब मैं बोलूं और टटोलूं प्यार भरे हाथों से दिल छीक। वेट व्हाट, ये मेरे ही पल्ले नहीं पड़ा या तुम्हें भी समझ नहीं आया? दिल छीक, दिल कैसे छीकता है भाई? मैंने दिल बेकाबू, दिल बेकरार, दिल बेमिसाल, दिल बदतमीज, दिल दीवाना, दिल लसन अदरक सब सुना है, लेकिन दिल छीक मतलब दिल में से आवाज आ रही है आछू। ये कौन से नशों का सेवन करके लिरिक्स लिख के गए भाई। ले, उसको भी लगा दी छीक। और बड़े बुजुर्ग कहते थे हमारे जमाने के गानों में कुछ मीनिंग होता था, उनके लिरिक्स का मतलब होता था। लो देख लो। बच्चों हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी से, इस गाने में दिखाए गए स्टंट्स कृपया घर पर ना दोहराएं, खासकर आज के टाइम पे इन मैडम जी को बोलो आज जाएं और किसी के ऊपर छीक के दिखाएं, सामने से दो डंडे ना खाएं तो हमारा भी नाम बदल जाए। शायरी करिए। When you hear this song, you will definitely cry. Cold cream के बिना skin हो जाती है dry, dry. तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ हार्ट के साथ हमें ये कमाल के लिरिक्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि अगर हम ढिंचक पूजा को क्रिंज बोलते हैं तो ये क्या है? ये तो टट्टी है। दोस्तों चौंक गए ना, यकीन नहीं हो रहा भाई यह कैसे If A is cringe, then B is also cringe. But if A is not cringe, then B is also not cringe. But if you think that A is cringe and B is not cringe, then you are a hypocrite. And I don't know what the hell am I saying.
अगर तुम इन लिरिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो लड़का लड़की को कह रहा है तू मेरी तली हुई मुर्गी है। लड़के ने तो इतने हार्ट टचिंग ऑस्कर विनिंग लिरिक्स गा दिए हैं लड़की के लिए, अब लड़की का भी तो कर्तव्य बनता है उसको रिप्लाई करने का। मारो यार जोर जोर से मारो, अबे तालियां मारो भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कसम से क्या देख रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ भाई, ये कैसा प्यार है जहाँ पे एक दूसरे को तली हुई मुर्गी समोसे डोसे से कंपेयर कर रहे हैं। अब एक्चुअली में मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आइडिया पता कब आया था, कुछ दिन पहले मैं अपने गेमिंग चैनल पे एक गेस द सॉन्ग बाय इमोजी चैलेंज कर रहा था एंड उसमें टोनी भैया का एक गाना आया, बिजली कट रही है, इलेक्ट्रिसिटी कट गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई जब छूती है। अरे टोनी कुकुड़ भैया जवानी तेरी बिजली की तार है, जवानी तेरी बिजली की तार है। क्या टोनी भैया तुम कहाँ से सोचते हो, घुटनों में है क्या तुम्हारा दिमाग? और फिर यह प्रश्न करने के बाद मैं खुद से प्रश्न करने लगा कि मैंने आखिर ये प्रश्न क्यों ही करा, क्योंकि टोनी भैया का दिमाग उनके घुटनों में है यह बात तो जग जाहिर है, एवरीबॉडी नोस। यू डोंट बिलीव, ये गाना सुनो। तुमने सुर को काटा, इतने टुकड़ों में बाटा, बाटा अब ना रहा तवा और ना रहा आटा। आई थिंक टोनी भैया के आज तक के जितने भी गाने हैं उनमें यह गाना जो है यह पीस ऑफ आर्ट है, मास्टरपीस है। इसके लिरिक्स सुनिए। बेबी तेरी बूटी 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 शेक, बेबी तेरी बूटी 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 शेक, सैया बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी बूटी शेक, तेरी बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी तू बूटी तू। बंद करो हाथ जोड़ के। मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया है, इनके ये लिरिक्स सिर्फ रिपीट करते हुए, गाइस सिर्फ रिपीट करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका ये गाना सुन के मेरे दिमाग पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा होगा। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। टोनी भैया का इंटेलेक्ट लेवल मैच करना ह्यूमन हिस्ट्री के लिए आज तक इम्पॉसिबल रहा है, लेकिन आप शायद मेरी बात से अभी तक सहमत नहीं होंगे। सबर करो। मैं आके बोला तू बोल बीच 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 तेरी गाड़ी के बीच बीच हंजी पीछे वाली सीट पे। टोनी भैया को कोई ये क्यों नहीं बताता कि एक ही शब्द को बार 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 रिपीट करने से संगीत नहीं बनता है, वो गाना नहीं बन जाता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं आगे बोला तू बोली पीछे 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 तेरी गाड़ी के पीछे 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 वाली सीट पे, मतलब कुछ भी। भाई तुम्हारे पास जब लिरिक्स ही नहीं है तो तुम गाने क्यों लिख रहे हो? और लिरिक्स की कमी होने वाली बात मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, भाई इस बंदे ने खुद प्रूव करा है इसी गाने में कि इसके पास लिरिक्स की इतनी कमी हो रखी है कि इसने अपने पुराने किसी गाने के लिरिक्स भी इस गाने में डाल दिए। सुनो। तेरी कार की सीट पे खाली खाली स्ट्रीट पे प्यार मोहब्बत करेंगे बेबी करेंगे बराबर। अरे ये तो दूसरा गाना है। अरे ये तो दूसरा गाना है। अबे तो जब तेरे पास लिरिक्स ही नहीं है और तेरे को अपने पुराने गाने के लिरिक्स भी इस गाने में डालने पड़ रहे हैं जिसमें तू ऑलरेडी बूटी 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 को कम से कम 1 करोड़ बार रिपीट कर चुका है, तो ये किस बात का नया गाना लिखा है आपने? अरे टोनी भैया कम से कम 2-4-20-30-50,000 साल लगा के आराम से लिरिक्स सोच लेते फिर रिलीज कर लेते गाना। भाई जो दिखता है भाई उस पे गाना बनाता है। ये मेरे हाथ में फोन है, ये मेरा फोन 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 मुझे करेगा कौन, ये सैनिटाइजर टाइजर 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 दारू है बडवाइजर, ये माइक 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 क्या फर्क पड़ता है भाई क्या करना है, लिरिक्स नाम की चीज क्या होती है, अरे कौन सी चिड़िया का नाम है लिरिक्स, जो मर्जी लिखो। और ये सारे तो पुराने गाने हैं। अभी 4 दिन पहले टोनी भैया ने एक और बवासीर रिलीज करा है भाई। नंबर लिख 9891 बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? यहाँ पे मीम भी नहीं डालूंगा, खुद बोलूंगा मैं, बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव कि ये टोनी भैया वही इंसान है जिन्होंने मोहब्बत बरसा देना तू और मिले हो तुम हमको ऐसे वाले क्लासिक गाने लिखे हैं एंड अब ये ऐसे वाहियात से गाने लिख लिख के क्या अपने आप को एकदम मिट्टी कर रहा है भाई ये बंदा। बट एक्चुअली गलती टोनी भैया की भी नहीं है, जैसे ढिंचक पूजा ने ये चीज रियलाइज कर लिया ना कि क्रिंज पे ज्यादा व्यूज आते हैं, टोनी भैया ने भी देख लिया है कि क्रिंज पे ज्यादा व्यूज आते हैं रादर देन उनके नॉर्मल गाने, तो इसलिए अब वो जान के क्रिंजी सॉन्ग्स बनाते हैं। तो ठीक है
भाई, इसमें शायद उनकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है. सॉरी टोनी भैया. आई एम सॉरी बाबू. मर गई भाई, मर गई बेचारी. शर्माएगी भी क्या, मर गई. तुम्हारा ये गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली उसने, फांसी लगा ली अपने आप को. बियॉन्से शर्मा जाएगी. तुम्हारी एग्जिस्टेंस है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ता तुम हो नहीं हो, जियो ना जियो, वो क्यों शर्माएगी यार, किस लिए? और इस गाने पे इनको इतनी हेटरेड मिली, इतनी हेटरेड मिली, इतना बैकलैश मिला कि भाई अगलों को गाना बदलना पड़ गया, फिर से री रिलीज करा इन्होंने. शर्मा जाएगी. पहले सिर्फ बियॉन्से शर्मा रही थी, अब पूरी दुनिया शर्मा रही. करा ली बेइज्जती, पड़ गई कलेजे को ठंडक. पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया. बस भाई बस, टिंकू जिया ने घिस लिया इश्क का मंजन. आगे मुझे जानना ही नहीं है कि वो माने नहीं माने, क्यों नहीं माने, उनकी मर्जी है भाई, मुझे क्या लेना देना है. बाकी लिरिक्स का क्या मतलब था ना, मुझे जानना है ना, मुझे कोई इंटरेस्ट है. नॉट इंटरेस्टेड यार. मतलब मैंने टिकट इंसान ने अच्छी खासी रिसर्च करके वीडियो बनाई है, और फिर एंड में मतलब बहुत लेट स्टार्ट किया टोनी कक्कर को पकड़ना, बट सही कह रहे थे क्रिंज सॉन्ग. लेकिन जो स्टार्टिंग से है ना कनेक्ट कर रहा है ना पुराने सॉन्ग को, और खासकर वो चीक वाला जो सेकंड है यार, वो कैसे कैसे गाने बनते हैं. काजल का फोकस पूरी वीडियो में समोसा और डोसा का था. समोसा डोसा नहीं, चिकन फ्राई तो मेरी फिश फ्राई. जो क्लिप्स भी लगाई थी ना वो बहुत सही थी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जा रही थी अगर आप देखोगे वीडियो. और जो टाइटल था सॉन्ग्स के ऊपर और ना थंबनेल में टोनी कक्कर का दिखा था, तो मुझे लगा यार स्टार्टिंग से टोनी कक्कर का, लेकिन इनने है ना खींची नहीं भी वीडियो. स्टार्टिंग में है ना काफी क्रिंजी सॉन्ग्स दिखाए, और उसके बाद है ना मेन हमारे क्रिंज किंग टोनी कक्कर पे आया. तो फाइनली हमें वीडियो काफी अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह रिएक्शन करते रहे, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें किस वीडियो पे रिएक्शन करना चाहिए. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.